हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं जैक्यू गेमिंग। तो गाइस, 5 दिन हो चुके हैं और 5 दिन के बाद मैं यह वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं क्योंकि मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है वीडियो रिकॉर्ड वगैरह करने का और एडिट करने का। तो फाइनली जब मैं कॉलेज में नहीं गया तो मेरे को टाइम मिला, तो उस टाइम में मैंने ये वीडियो वगैरह मैं रिकॉर्ड करके मैं आप यूट्यूब पे मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में आपको मिलेगा ये नोवो में उतरता हूँ सोलो वर्सेस स्क्वाड का। तो इधर मैं पूरा नोवो में क्लियर ऑलमोस्ट कर देता हूँ और इसके बाद आपको मिलेगा डुओ वर्सेस स्क्वाड जो है 2 मैचेस फुल मैचेस जिसमें हमने चिकन डिनर भी लिया है। तो 2 मैचेस का डुओ वर्सेस स्क्वाड आपको मिलेगा इस पूरे वीडियो में। तो आप वीडियो को आप एंजॉय कीजिएगा और मेरा कमेंट्री आगे भी रहता है। तो गाइस, जैसे कि इस क्लिप में आप देख रहे हो, मैं सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ कि एक एक बंदा जो भी जहाँ से फुटस्टेप एक एक आ रहा है तो उस पर मैं रश कर दे रहा हूँ आराम से। नहीं तो दूसरा बंदा मैं TPP लेके उसे मैं मार रहा हूँ। ओके, तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि कितने बंदे हैं। फुटस्टेप से आपको पता लग जाएगा कि कितने बंदे, 2 बंदे आ रहे हैं, पूरा स्क्वाड एक साथ आ रहा है। तो जब भी स्क्वाड पूरा एक साथ आता है तो नोवो जैसे कंटेनर फाइट में आपको मतलब फॉल बैक करना ही होगा क्योंकि पता है आपको बंदे लेफ्ट और राइट से आएंगे तो मतलब बहुत डिफ़िकल्ट। क्लच आप एक एक सिचुएशन में आप कर सकते हैं लेकिन हर बार नहीं कर सकते। तो इधर मैं कर रहा हूँ कि एक एक करके मैं नॉक करके मैं फिनिश कर दे रहा हूँ ऑन द स्पॉट। ओके, तो गैस और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका पोजीशन सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। ओके, आपका ऐसा पोजीशन रहना चाहिए कि आप अच्छे से आप TPP लो। ओके, और आप बंदे को आराम से आप मार सको। तो आप अपने लिए एक बेहतर पोजीशन ढूंढिएगा एंगल जिससे आप उसे मार सको आराम से। तो गाइस, इधर से हमारा डुओ वर्सेस स्क्वाड वाला मैच फुल मैच स्टार्ट हो गया और इधर पे मैं अपना वॉइस ओवर मैं देता रहूँगा, अपना कमेंट्री मैं करता रहूँगा। तो गाइस, इधर क्या हुआ कि हम लोग जॉर्जो सिटी में हम लोग उतरे और उतरते के वक्त मैंने नोटिस कर लिया था कि 2 बंदे अपार्टमेंट्स लूट कर रहे हैं। तो मतलब 2 बंदे तो एक अगर नॉक कर दिया तो दूसरे पर आराम से हम लोग रश मार सकते हैं। तो इधर भी हम लोगों ने वही किया। जल्दी आना पूरा अंदर। पूरे हो गया है। 1 सेकंड हेल्प लगा रहा हूँ। तो गाइस, इधर आपने देखा कि जिसे मैंने नॉकआउट किया उसे टाइम मिल गया था रिवाइव होने का। तो एक्चुअली आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है कि वो रिवाइव होके हील भी हो जाना चाहिए। ओके, तो भाग 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 मालूम है उसने। इधर आ, मेरे पास आ, कवर में हूँ। एक ही बंदा है, एक हेड दिया, एक बंदे को हेड मैंने दिया और हुआ ना मेरे पास। Thank you.
तो भाई अगर आप लोग इधर तक आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को आप ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके, और अपने फ्रेंड्स को भी आप बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि यार आप ही लोग मेरे को सपोर्ट कर सकते हो, ओके. तो आप वीडियो आप शेयर कीजिए अगर आपका मन हो तो, आपको अच्छा लगता है तो मेरे कंटेंट्स. तो इधर ये स्क्वाड हाउस पे एटलीस्ट दो या तीन लोग हैं. तो इधर मेरा हेल्थ भी आप देख सकते हैं कितना जल्दी जल्दी जा रहा है, तो बहुत क्रिटिकल वाला मोमेंट हो गया अभी. तो ये बंदा मेरे से हेडशॉट खाया अभी, आपने देखा का एकेएम का कमाल. तो इधर बंदे का हेल्थ ऑलमोस्ट डाउन भी हो गया था जोन के वजह से, और एक हेडशॉट खाया और डायरेक्टली डेड. ओ भाई, तो मेरे को भी मिला एक AWM का शॉट लेफ्ट से, सॉरी राइट से. तो बंदा अभी क्या करेगा कि अभी रश मारेगा, ग्रेनेड वगैरह डालेगा. तो मेरे को अभी क्या करना है कि अभी जिस पोजीशन में हूँ तो मेरे को पोजीशन मेरे को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को पता है कि ग्रेनेड इधर ही आएगा. मैं बाहर निकल गया, कोई जोन भी जाना है. तो गाइस और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लास्ट टू सर्कल्स में आप दो चीज़ पर आप कंसंट्रेट करो, एक है जोन और दूसरा है कि कितने बंदे अलाइव हैं, ओके. और तीसरा चीज़ है कि वो अलाइव बंदे कौन सा पोजीशन वो होल्ड कर सकते हैं, ओके. तो ये सब तीन चीज़ आप फोकस कीजिए लास्ट टू जोन में, क्योंकि अगर एक चीज़ पे अगर आपने फोकस नहीं किया तो मतलब वो मैच आप हार सकते हैं, ओके. इन तीन चीज़ पे आप बहुत कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा. बच गया ना तू जोन में? तो बंदा अभी एक्चुअली मर गया है, दूसरे ने मैंने हेल्थ थोड़ा डाउन किया लेकिन दूसरे ने उसे फिनिश कर दिया था, एक ही बंदा था. और मेरे को पता है कि एक बग्गी वाला माउंटेन के ऊपर थोड़ा माउंटेन पर गया है. तो इधर मेरे को पोजीशन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अभी थ्री पीपल ही अलाइव हैं. तो सामने मेरे को एक बंदा दिखता है, तो ये भी मतलब अकेले ही था, उसका टीममेट मर गया होगा. तो डायरेक्टली फिनिश, यहाँ पे एक बंदा है और बचे दो बंदे. तो अभी वो दो बंदे को आप लोग स्पॉट जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग तो क्योंकि हमारा लोकेशन तो ऑलरेडी स्पॉटेड है, सबको पता है कि दो लोगों को भी पता होगा कि हम लोग शैक के पास हैं. तो ज़्यादा एडवांटेज ना ले सकते, उससे पहले आप लोग को मारना पड़ेगा स्पॉट करके. और ऐसे हम लोग चिकन डिनर हम लोग ने ले लिया था. और गाइस वो मैच ख़त्म होने के बाद ये हमारा दूसरा मैच कंटिन्यूस था दो ओवर्स स्क्वाड का. और ये मैच में हम लोग चिकन डिनर ले पाते हैं यानी आप देख लीजिए. तो इधर हमारा टीममेट नॉकडाउन हो गया था, वो एक्चुअली एक को नॉकआउट किया था, तो उसे फिनिश करने के लिए ट्राई कर रहा था लेकिन उसे मिल गया एक शॉट जिसमें वो नॉकआउट हो गया था. और बंदा सीढ़ियों से आ रहा था, तो इधर रिवाइव देना बहुत बेवकूफ़ी होगा, तो मैंने रिवाइव को कैंसिल मैंने कर दिया.
और जैसे कि आप लोग ने देखा, मैंने डोर मैंने उसके सामने मैंने बंद कर दिया था, तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया ये था, वही मतलब पूछ डोर रही ओपन वाले से करूं या पहले फ्री फायर के साथ आऊं। मेरे पास दोनों रेड बॉक्स है। तो हम लोग उस जगह से हम लोग सीधा जा ही रहे थे। एक्चुअली ये हमारा रश गेम प्ले है। ओके, तो हम लोग बंदे स्पॉट करके डायरेक्ट हम लोग रश मार रहे थे, लेकिन मेरा टीममेट पता नहीं क्या हो जाता है उसे। मैंने बोला था कि हाँ ड्रॉप लूटेड है, तब भी उसको लूट करना था, पता नहीं क्यों। तो ये सब वेरी बैड सिचुएशन है, क्योंकि इधर आपको खुले में आपको आना ही नहीं है, क्योंकि उधर अपार्टमेंट्स हैं और उधर हेलो, स्कूल, तो आपको कहाँ से भी शॉट्स पड़ सकता है। तो इधर एक ही बंदा था, ये पता नहीं अकेले अपने टीममेट से क्यों आ जाते हैं लोग। भाई मेरे पास ऐसा है क्या कि तो मतलब एमो नहीं उठ रहा है भाई? इधर क्या होता है कि फिर से जो मेरा अरे टीममेट है बहुत स्लो लूट करता है ये बंदा, तो मेरे को एक AK-98 का शॉट मिला शायद इधर। और ऐसे भी हम लोग को जोन भी जाना है, तो हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि जोन जाना है या फाइट लेना है। तो हम लोग इधर ने से तेरे डिसाइड को किया हाँ जोन पहले चलते हैं, जोन में जाके फाइट सामने लेते प्लेन हैं, भी वो लगा है थोड़ा क्या? यूज़फुल रहेगा। तो आते वक्त हमने स्पॉट कर लिया था कि एनिमीज हमारे राइट साइड में है, तो मैं सीधा मैं टेरेस के ऊपर जाके मैं मैं उधर आता हूँ थर्ड आता पार्टी में करता हूँ अभी। हूँ, लैग हो रहा है मेरा। बंदे आसपास, तो एक्चुअली उधर एक पूरा स्क्वाड रहता है ब्रिज के पीछे और कार के नीचे। तो इधर मैंने जिसे मैंने नॉकआउट किया था उसे मैंने कंफर्म कर दिया ताकि वो रिवाइव ना हो, क्योंकि गाड़ी के आगे पीछे भी चेस्ट वो है। रिवाइव हो सकते हैं और उनके पास रिज भी है। तो मेरे को सिर्फ नॉक करके मेरे पास छोड़ना नहीं था, रिज मेरे तो को फिनिश स्किप भी कर कर दिया देना था था। यार, स्कोप नहीं था, रेड बॉक्स ही था। भाई नया हेलमेट उठाया नहीं, पड़ा। रुक रुक रुक, क्या उठाया कर नहीं रहा भाई, क्या कर तेरे पे रहा? ही एम करके बैठा था, वो तेरे को देख लिया था लूटते हुए। तो बंदा लिटरली एक्चुअली वो छोटा घर रहा है, बालू में। उसके सामने जो पत्थर है वो हाँ उधर देख ही लिया है। उसको, अब प्रॉब्लम नहीं। ओके, और इधर ही पे क्लिक के बैठा है। तो परफेक्शन इधर क्यों हम किया लोग मतलब, को इसे जोन क्या भी जाना है। नहीं किया इसे मैं हेलमेट पे? लास्ट सर्कल में मैं जोन, नया लास्ट हेलमेट नहीं ले थ्री रहा है। सर्कल या टू सर्कल में मैं जोन प्रेफर करता हूँ फाइट लेने से, अगर मैं जोन के बाहर रहा तो। ओके, तो इधर आपको जोन में भी जाना पड़ेगा, आपका पोजीशन भी लेना पड़ेगा। ओके, तो इधर तो ऐसे भी हम लोग वो रश गेम भाग रहा प्ले है राइट खेल साइड रहे से। थे, तो हम लोग ने डिसाइड किया कि हाँ रश मारते हैं। तो अभी बंदा घर के पीछे चला गया। ओके, देख, निकलने के लिए स्मोक किया मैंने। तो मेरे को अभी भी लग रहा है कि बंदा हाँ घर के पीछे या घर के अंदर है। ओके, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि वो मतलब फिर से वही पोजीशन में आ जाएगा पत्थर के पीछे। इधर ही है तो एक, इधर मेरे को थोड़ा डर लग गया था कि बंदे पीछे भी हैं, तो मैं फट से अंदर में चला गया, लेकिन वो सेम बंदे सेम बंदा रहता है। क्या बोल रहा वहां हूँ पे मैं, व्हाट द डायरेक्टली। फक। तो गाइस मेरा वॉइस ओवर वही ना, उतना भी खास नहीं रहेगा, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं डे बाय डे जैसे आगे बढ़ेगा। दिन होता हाँ होगा मैं अपना वॉइस ओवर मैं और भी बेटर करूँगा और भी एंटरटेनिंग करूँगा। सिर्फ आप लोग का सपोर्ट चाहिए। और गाइस
आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट, वीडियो वीडियो को लाइक वगैरह करना, मेरे को मोटिवेशन होता है अगले वीडियो बनाने का और भी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने का। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा वीडियो आपको कैसा लगा। ओके इसका हेलमेट ही लेना पड़ेगा। रुक अबे, पेन किलर के ऊपर अच्छा लग रहा है। तो इधर मैं मुंह में जो भी आ रहा है मैं फ्लो के साथ मैं बोलते जा रहा हूँ। तो इस अगर मैं मुंह से कुछ गलत या कुछ फनी भी निकल गया तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर मारना। ओके हाय वो तो इधर एक पूरा स्क्वाड रहता है, स्क्वाड में दो दो मैं आ जन गया, वगैरह कुछ। तो मैंने इनका स्क्वाड बहुत देख लिया था एक बार। बहुत 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 गंदा पोजीशन ही है। ओके तो इन लोग को तो हम लोग आराम से हम लोग मार मार देते हैं क्योंकि हमारे पास अच्छा कवर वगैरह मिल हाँ, एक जाता मार्क है। है, मैं इस तरफ से आ रहा हूँ। हम लोग ने दो लोग को इधर मार दिया और मतलब जोन हमारा साथ ही नहीं दे रहा है भाई। जहाँ भी जा रहे हैं जोन के अंदर लेकिन फिर एक से और इसका जोन टीम मतलब है। हमसे बहुत दूरी भाग रही है। ओके तो फिर से हम लोग को जोन में जाना मुझे पड़ेगा। आ रहा है यार, ओपन और हो गया। जैसे जोन में जाते ही मेरे को पता है कि एक ही कॉम्पाउंड इधर है तो इधर बंदे पक्का रहेंगे। अंदर अंदर अंदर, पूरे 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 पूरे। ये देखिए इसको बोलते हैं दोनों क्या कौन सा गेम उसे बोलते हैं, मेरी मेरी गो राउंड खेल रहे हैं दोनों गोल गोल। तो इधर भी फिर से हमको सर्कल को फॉलो करना था, हैवी फिर टीम से है भाई, सर्कल में हैवी जाना पड़ेगा। तो इधर बेस्ट स्पॉट यही है, एक पेड़ जो इधर एक बंदा भी आ गया है। तो इसे हमने किया ख़त्म इधर है तो और गाड़ी सोच चलनी रहे थे चाहिए कि फिर इधर से ही अपना फायर स्टॉप कर लेंगे। गाड़ी अपना डाल के एक अच्छा सा सामने दो कवर बंदे, बना लेते हैं। तो इधर मैं पहला काम था कि पीछे क्लियर कर लेना, लेकिन आगे से मेरे को एक बंदा भागते हुए जोन की तरफ आते हुए मेरे को दिखा जिसे मैंने किया नॉकआउट। और मार पीछे लो मैं कोई देख रहा हूँ कि जो बंदा है कि नहीं, अंदर कोई लेकिन एक बंदा है। बंदा रहता है पीछे प्रोन। तो उसे मैंने रैंडम सा स्प्रे दिया। ओके मेरा हेल्थ मालूम है कितना लोड करके इसने। और ये हमारा सेकंड चिकन डिनर था। तो गैस आपको वीडियो अगर पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, और अपना सपोर्ट ऐसे ही दिखाते रहिएगा। और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। आप वीडियो अगले वीडियो आप क्या चाहते हैं आप सजेशन भी आप दे सकते हैं और मैं उस पर काम भी करूँगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। Yeah, you got me feeling numb.